अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान, आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर बहुत ही अहम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि वेल्डिंग किस तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले आपने रेगुलेटर यानी कि ऑक्सीजन और एस्टलीन या फाइन गैस का दोनों सिलेंडर को तैयार कर लेना, उनको सेट कर लेना। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इस सिलेंडर को किस तरीके से खोलेंगे हम। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये सामने हमारे सिलेंडर है, तो इसको मैं चाबी को सबसे पहले खोलूँगा, रेगुलेटर को लूज़ कर लूँगा अगर टायर्ड है तो इसमें अब तो इसमें आप देख सकते हैं अभी गैस इतनी ज़्यादा नहीं कम है प्रेशर, इसलिए ये आपको नज़र आ रहा होगा। तकरीबन कह लें कि ये ऊपर 500 की रेंज है, तो कह लें कि 100 के करीब, 100 से नीचे ये इसमें प्रेशर शो हो रहा है। वैसे इसमें 2000 के राउंड अबाउट ऑक्सीजन के सिलेंडर का प्रेशर होता है। और आगे वाला जो, जैसा कि मैंने आपको बताया, आगे वाली जो सुई है उसमें हम जो मतलूबा प्रेशर को सेट करना होता है इस रेगुलेटर से, वो हम सेट करेंगे। तो अभी मैंने इस सिलेंडर को पीछे से खोल लिया, तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा, पहले बताया कि इसको जो ना क्लाक और एंटी क्लाक वाइज इसने खुलना और बंद होना है। जैसे हम इसको क्लाक वाइज घुमाएँगे ये बंद हो जाएगा, एंटी क्लाक घुमाएँगे तो ये खुल जाएगा। तो आप भी आप देख सकते हैं, तो ये मैंने इसको सिलेंडर को खोल दिया। अभी हम रेगुलेटर को टायर करते हैं और वेल्डिंग के लिए हम टार्च को तैयार करते हैं। तो इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, अभी आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ भी सुनाई दी होगी। जैसे हम इस रेगुलेटर को टायर करते हैं, ये इसमें एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग जाके उसको प्लंजर को बिठा देता है, जो नीडल लगी होती है गैस को आगे ऑक्सीजन को भेजने के लिए। तो अभी हमने इसको सेट कर लिया, ये इतनी ज़्यादा रेंज प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती, 5 से 10 PSA के राउंड अबाउट आप सेट कर लें तो हम इजीली आप वेल्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह एस्टलीन का सिलेंडर है, तो उसका जो ना रेगुलेटर तो इतना सही नहीं है, ख़राब है, टूटा हुआ, इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया। तो इसका एक प्रेशर सेट है काफ़ी अच्छे से, इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सिलेंडर को मैं ओपन कर लूँगा उसी तरीके के साथ चाबी में, चाबी लगा के। दूसरा आपको पहले दिखाएंगे कि इसमें चूड़ी उल्टी होती है इसकी, ऑक्सीजन की और नॉर्मल चूड़ी से उल्टे आते ये टाइट होती है। तो अभी मैं इसको चाबी के साथ खोल लेता हूँ। तो ये भी खुल चुका है, अभी हम वेल्डिंग के लिए हमारी टार्च तैयार हो चुकी है। तो जैसा अब हम आ जाते टार्च के पास, तो जैसा कि दोस्तों आप दोनों में वाल देख रहे होंगे लगे हुए, तो ये वाला जो वाल है ये एस्टलीन का या फाइन गैस अगर आपने इसके साथ अटैच किया, तो ऊपर वाला वाल जो है ना आग जलाने के लिए और नीचे वाला जो है ना ऑक्सीजन के लिए है। तो जैसे ही हम इसको चलाना शुरू करेंगे, सबसे पहले आपने आग को जलाना है, शोला जलाना है, तो उसके बाद आपने उसके हिसाब से जो है ना ऑक्सीजन गैस को खोलेंगे तो हमारी वेल्डिंग टार्च जो है ना चल जाएगी। तो इसको बंद करने का उसी तरह तरीका है, सबसे पहले आपने जो है ना, तो जब वेल्डिंग टार्च को बंद करना तो आपने उसी तरीके से बंद करना, सबसे पहले आपने ऑक्सीजन को बंद करेंगे और उसके बाद आपने आग वाले वाल को बंद करना है। तो इसमें आप देख भी रहे हो किस तरह ये खुलना और बंद होना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वाल आमतौर पर बंद होते हैं और खुलते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे ऑन और ऑफ लिखा हुआ है। अगर आप पहले आग को बंद कर देंगे, ऑक्सीजन को नहीं बंद करेंगे, तो उससे एक धमाका पैदा होता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए, बैकफायर के बचने के लिए तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आप जो है ना ऑक्सीजन को बंद करें, उसके बाद आप जो है ना शोले का जो आग का है उसको पहले आप बंद करें। एस्टलीन है या फाइन गैस टाच है तो सबसे पहले उसको आप बंद करें। अभी हम आपको चला कर भी दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आ गई सामने आपके टार्च, तो इसके लिए आपको माचस या लाइटर कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं आग जलाने के लिए। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया, सबसे पहले हम जो ना एस्टलीन या फाइन गैस है तो फाइन गैस खोलेंगे, तो अगर एस्टलीन है तो एस्टलीन लगाई हुई है तो एस्टलीन खुलेगी, उसके बाद ये ऑक्सीजन खोलनी है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अभी मैं शोला जलाता हूँ, ये देख रहे हो शोला जल चुका है। तो अभी मैं इसको जो है ना, जैसे अभी देखें ये हमारा शोला जो जल चुका है, तो मैं इसको जो है ना ऑक्सीजन को खोलता हूँ
जैसे जैसे मैं खोलता जाऊंगा। तो ये हमारा फ्लेम बनना शुरू हो गया। तो ये देख सकते हैं काफी तेज है। तो इसको आपने अगर काम करना है तो आप एस्लिन को काम करें और साथ में ऑक्सीजन भी काम कर लें। जैसे जैसे ये मैं देखता हूँ ऑक्सीजन को काम कर रहा हूँ तो हमारा शोला काम होता जाएगा। अगर आपने बिल्कुल ब्रीक टार्च करनी है तो इस जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्रीक हो चुकी है तो इससे भी काम हो जाएगी। तो इस तरीके के साथ आप वेल्डिंग के टार्च को सेट कर सकते हैं। और वेल्डिंग करना बहुत ही आसान और सबसे अहम चीज़ है। अगर आपको वेल्डिंग करना आ गई तो बहुत सारा आपको काम करना आ जाएगा। अब मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था बंद करने का भी तरीका है। इसको हम सबसे पहले जो है जैसे हमने एस्लिन को बढ़ा देंगे तब भी बंद हो जाएगी, लेकिन उससे ये एक ब्लास्ट पैदा होगा। तो इससे पहले मैं जो है सबसे पहले मैं ऑक्सीजन को बंद करूँगा। जैसे मैं ऑक्सीजन बंद करूँगा तो हमारा जो नीला छोटा वो ख़त्म हो गया। तो इसको मैं जो है ना ये एस्लिन होती है ना ये धुआं छोड़ती है तो इसको मैं फौरी तौर पे बंद करूँगा। इस तरीके के साथ आप इजीली बंद कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें। अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर भी लाजमी करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।